नमस्कार नमस्कार नमस्कार, नया दिन नई शुरुआत। दरअसल मैं ऐसी शुरुआत करता हूँ, इसलिए मैंने इसकी वीडियो भी ऐसी शुरुआत की, आदत सी बढ़ गई है। आज का जो है मतलब जो वीडियो रहने वाली है वो मेरी कहानी के ऊपर, तुम इसे कह सकती है कि अनकहा अनसुना। हाँ, आप लोगों के लिए जो मुझे शायद अभी जिन्होंने थोड़े टाइम पहले फॉलो करना शुरू करा, एंड जिससे जो मुझे नहीं जानता मैं बता दूँ, मेरा नाम है अनुज रेहान और मेरा YouTube के ऊपर शायद ये डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दोगे ना भैया? यस यस, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देगा। हाँ। अनुज रेहान म्यूजिक करके तुम लोग सर्च कर सकते हो इंस्टा पे एंड YouTube पे भी। तो अभी वो कहानी मतलब अगर आप उसे जानते हो तो आप मेरी ग्रोथ देख रहे हो, कितनी प्यारी हो रही है, आप मेरे ब्लॉग्स देख रहे होंगे, कितने मस्ती वाले रहते हैं, खुश एकदम। तो देखो चीज़ें स्टार्टिंग से ऐसी नहीं थी, मैं बोलता हूँ ठीक है ठीक है। तो मुझे बता कि हम लोग कैसे मिले? हम लोग सबसे पहली बार मिले थे, वैसे तो जानते हैं पहले, लेकिन जब पहली बार मिले थे वो मिले थे अहमदाबाद में शिविर में, विद्यार्थी अनुष्ठान शिविर था, तो वहाँ पर हम मिले थे दिवाली के टाइम पर। यस यस, तो सबसे मैं जानता हूँ दो तीन साल पहले। तीन साल हो गए। ठीक है, तू एक कंटेंट क्रिएटर मतलब था, अभी नहीं करता, अभी लाइक ये करता है मेरे बंदे। ठीक है, तो जब मैं तीन साल पहले या दो साल पहले जब इसको मिला, तब ही वॉज कितने फॉलोअर्स थे तेरे? 160 उसको ग्रो कर। 2-3 साल पहले जब हम मिले थे, हाँ, तब मैंने इसे देखा, ये ऐसे एक कोपरे में से रो रहा था। ठीक है, तो मैं इसके पास गया, क्या हुआ? तो बोला कि इसके पास बस 160 फॉलोअर्स है, और मेरे तब कितने थे, मोर देन 1500 थे इंस्टाग्राम पे, सिर्फ इंस्टाग्राम पे। ठीक है, मैंने इसको बोला ऐसा नहीं होता, मैं जरूर गाइड करता हूँ। तो मैंने इसको बोला पहले सिंगिंग स्टार्ट कर, इसकी आवाज़ अच्छी थी, तब से ये इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने लगा। आवाज़ पहले से अच्छी थी, पोस्ट नहीं करता। ठीक है, तो तब से इसने पोस्ट करना स्टार्ट किया। रुक जरा, ये नहीं पता किसी को, बताता हूं। से ये पोस्ट करने लगा। ठीक है, तभी भी ठीक ठाक वायरल जा रहा था। उसके बाद में मुझे ऐसे लगा कि इसमें और टैलेंट है, मैंने इसको बोला व्लॉगिंग स्टार्ट कर, और मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं व्लॉगिंग चालू रखूँगा तो कोई इसका देखेगा ही नहीं। ठीक है, तो मैंने बंद कर दी लाइक इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया है अनुज के लिए। और देखो जैसे ही मैंने बंद की, इसका बूम हो गया, इसका चैनल इतना तेजी से ग्रो हुआ कि अभी कितने 11.5 लाख तो इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे 5 लाख मतलब अभी 80,000 अगर ये व्लॉग स्टार्ट नहीं करता। ठीक है ठीक है, अगर मैं व्लॉगिंग चालू रखता तो अभी मेरा मिलियन क्रॉस हुआ रहता, लेकिन मैंने सैक्रिफाइस किया अनुज के लिए। लाइक आई एम सच अ गुड फ्रेंड ऑफ योर्स। और इसका सिंगिंग का और एक स्टोरी है, लाइक इसकी आवाज़ अच्छी थी लेकिन फिर भी ही नीडेड सम गाइडेंस। सो लाइक मेरी एक फ्रेंड है दीदी जैसी, मैथिली ठाकुर, तो उनका नंबर मैंने इसको दिया, तो ही टॉक विथ हर एंड फिर अरे चलता है दीदी है। तो तब से ही सिंगिंग वेरी गुड, भजन भी मैथिली दीदी से सीख के अब ये गाता है, क्योंकि देखो मैथिल ठाकुर भी अच्छे भजन गाते हैं, ये भी गाते हैं वो। तो नहीं ऐसे जैसे ही अगर मैं मजाक के बिना हट के बोलूँ तो मैथिल ठाकुर रिस्पेक्ट करूँगी। यस मजाक नहीं, दिस इज द रियल स्टोरी। ठीक है, हालांकि मैंने और उनसे कभी बात नहीं हुई है। अब मेरी हुई है और मैंने ऐसे इनडायरेक्टली बात करवाई। ठीक है, तो अभी अनुज जहाँ पे है वो मेरे वजह से बिल्कुल नहीं है, वो अनुज की वजह से, लेकिन मैंने सैक्रिफाइस जो किया है उसके वजह से अनुज अभी यहाँ पे। दिस वॉज द ओरिजिनल स्टोरी, और जो स्टोरी आपको बताए द फेक स्टोरी वो अनुज बताएगा। हाँ हाँ, क्या हुआ था यार? देखो मैं इंस्टा पे अभी से नहीं हूँ, दरअसल ये अनुज रेहान जो म्यूजिक है, हाँ, बारिश होना शुरू होगी, भगवान रोना पहले शुरू कर दिया। मैंने बोला ना ओरिजिनल स्टोरी हो गई, अभी फेक किसी को नहीं सुनना है, ऑलरेडी सबको झूठ बोलते हैं। हम आपको सुनाते हैं। नहीं नहीं कंटिन्यू कर, बारिश आ रही है, गिटार गिला रहेगा। तू भी कंटिन्यू। हाँ, a little longer than a few minutes later. तो बारिश अभी रुक गई है। देखो इतनी मुश्किल स्टोरी थी कि लेकिन ओरिजिनल स्टोरी मैंने आपको बता दी है, फेक स्टोरी की अभी जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता ही है क्या झूठ बोलता रहता है। सो अभी व्लॉग एंड्स हियर। व्लॉग मतलब वैसे जो मेन व्लॉग है ये इसके चैनल पे आएगा, मेरे चैनल पे बस इसकी जो स्टोरी है ओरिजिनल स्टोरी वो मैं डालना चाहता था। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। धन्यवाद।